गणपति गौरी गिरीश को सुमिरो बारंबार, हरो तिम्र अज्ञानता दीजो ज्ञान भंडार, दीजो ज्ञान भंडार। ये कथनी इतिहास की जिमी आकाश अनंत, और छोर ना मिल सके ना कोई पावे, ना कोई पावे। करो कृपा मैं कर सकूं अल्प बुद्धि अनुसार, विश्वकर्मा भगवान की महिमा का विस्तार, महिमा का विस्तार। सुनो सुनाऊं अमर कथा मैं विश्वकर्मा भगवान की, गौरवमयी इतिहास की झांकी महिमा मूर्तिमान की। सबसे पहले अखिल भुवन कर्ता का ध्यान लगाना है, उन्हीं आदि नारायण के चरणों में शीश झुकाना है। ये उन्होंने खेल रचाया है और सब उन्हीं की माया है। सुन मुन्न आकाश था पहले ओम शब्द का नाद हुआ, वायु तेज फिर जल पर पृथ्वी संसार आबाद हुआ। पांच महाभूतों से बनती है हर चीज जहान की, सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। देव नारायण ने मन में संकल्प उठाया था, रजो सतो और तमो गुणी वृत्ति का ध्यान लगाया था। रजो गुणी अवतार हुए ब्रह्मा जी रचनाकार हुए, सतो गुणी वृत्ति से विष्णु जग के पालन करता बने, तमोगुणी वृत्ति से शंकर सृष्टि के संहर्ता बने। हर मर्यादा अटल है अब तक विधि के बने विधान की, सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। उन्हीं आदि नारायण ने जो 14 भुवन प्रगटाए हैं, साथ हैं पृथ्वी के नीचे और ऊपर सात बनाए हैं। रहे पताल में यक्ष और दानव, मृत्यु लोक में रहते मानव, देव लोक में देव बसे, यम लोक में पापी जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सतलोक पहुँच कर सभी मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए सब ग्रंथ हैं कहते महिमा प्रभु गुणगान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में
विश्वकर्मा भगवान की। नारायण की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि रचाने लगे, जल ही जल था या आकाश था सभी जीव घबराने लगे। रहने का आधार नहीं था और कोई घर बार नहीं था, आदि देव नारायण ने फिर जल पर धरनी बनाई थी। उस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि नई रचाई थी। सबका जोड़ा सबकी गिनती रखी एक समान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। अंधेर पक्ष फिर 15 दिवस उजाला था, सर्दी गर्मी ऋतु बसंत वर्षा का खेल निराला था। पाप पुण्य सुख दुख का जोड़ा, जीवन मृत्यु मिलन बिछोड़ा, नेकी और बदी की खातिर सभी प्राणी लड़ते थे। देव और दानव एक दूसरे से दिन रात झगड़ते थे। निर्बल को तो निगल जाऊं ये रही है सोच शैतान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। सच्चाई है परिवार ही जब बढ़ जाते हैं, कष्ट कलेश और दुख दरिद्र उस समय पांव फैलाते हैं। छीना झपटी खून डकैती अत्याचार की चलती चक्की, त्राही त्राही मच जाती है दुखियों की करुण पुकारों से। भीषण ज्वाला उठती है आकाश में चांद सितारों से। बांह पकड़ने आते हैं प्रभु दीन दुखी इंसान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। ब्रह्मा ने 11 रुद्र 12 आदित्यों की रचना की, अष्ट वसु 2 अश्विनी कुमारों और देवों की सृजना की। सृष्टि चक्र चलाया ऐसा, भाग विभाग बनाया वैसा। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र अष्ट वसु बतलाते हैं, साथ में
उनसे ही बह निकली गंगा जग में ज्ञान विज्ञान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। मुकुट चरणों में खड़ा हूं जिनकी हंस सवारी है। गज डोरी कर मंडल हाथ में ज्ञान पुस्तिका धारी है। विष्णु लोक ब्रह्म लोक बनाए स्वर्ग और अपवर्ग सजाए। डोल रही थी पृथ्वी उन्होंने स्थिर कर इसे टिकाया था। सप्तदीप नौ खंड बनाकर फिर ये जगत बसाया था। उससे पहले खबर नहीं थी रूस और चीन जापान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा भगवान जगत में आदि कला अधिष्ठाता थे। भवन वास्तु चित्र मूर्ति सभी कला के ज्ञाता थे। जैसे वो ध्यान लगाते थे वैसे ही नगर बस जाते थे। रचना कर सातों पुरियों की फिर काशीपुरी बसाई थी। लंकापुरी और द्वारकापुरी तो सागर बीच बनाई थी। अलकापुरी अयोध्या मथुरा जगन्नाथ भगवान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। हुए विज्ञानी और सत्यधर्मी थे। मनु तो अष्टामय देवज्ञ और शिल्पी सबका कर्मी थे। पिता का यश फैलाया था और कला का ध्वज फहराया था। लोहाकार और ताम्यकार फिर स्वर्णकार मशहूर हुए। काष्ठकार और शिल्पकार जिनसे जग के दुख दूर हुए। उसी वंश की जाति है मशहूर नाम धीमान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की। पुत्र दो कन्याओं से ये वंश फैलता जाता है। कोई गिरदी कोई कलसी से भी कोई रियात कहलाता है। हमारे लोटे मंटू भोगल सल मठाड़ू कुंडी सोहल गज
विश्वकर्मा भगवान किए फुलवाड़ी मानी जाती है। सोमनाथ मिलकर जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की, गौरमय इतिहास की झांकी महिमा मूर्तिमान की। सुनो सुनाऊं अमर कथा में विश्वकर्मा भगवान की, गौरमय इतिहास की झांकी महिमा मूर्तिमान की, महिमा मूर्तिमान की। विश्वकर्मा भगवान की महिमा मूर्तिमान की, विश्वकर्मा भगवान की महिमा मूर्तिमान की, विश्वकर्मा।